नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों, सलमान खान स्टार फिल्म टाइगर 3 मूवी, जिस मूवी का इंतजार जो कि पूरी दुनिया कर रही थी, इस मूवी का क्रेज और बस बहुत ही बेसब्री से बना था ऑडियंस के बीच में। तो फाइनली वो मूवी जो कि कल के दिन सिनेमा घरों में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलमान खान स्टार फिल्म टाइगर 3 मूवी के जो कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में कि यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग ले रही है, और साथ ही साथ इस मूवी का क्रेज और बस कितना ज्यादा बना हुआ है, और सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी को लेकर लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी, जिस मूवी को दमदार तरीके से कल के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे भारी भरकम बजट वाली फिल्म है, और इस मूवी को 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है। और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि टाइगर 3 मूवी जो कि बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही जोरदार है, क्योंकि इस मूवी का एक ट्रेलर रिलीज किया गया था और उसका जो कि ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार था, सबसे भारी भरकम बजट वाली फिल्म है। आप लोग बता दें कि जिस तरीके से उस ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया था और जिस तरीके से फाइट दिखाई गई थी, वाकई में यह फिल्म बहुत ही भारी बजट से बनाई गई है। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को सलमान खान एक्शन करते हुए तो नजर आने ही वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि कैटरीना कैफ भी कुछ कम नहीं रहने वाली हैं। इस मूवी में आप लोगों को कैटरीना कैफ का भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों कैटरीना कैफ ने इस मूवी में फाड़ एक्शन तो किया ही किया है, लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि इस मूवी में आप लोगों को और भी दो नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के विलन के बारे में, तो जो कि सलमान खान से लड़ते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी। और वहीं दोस्तों इस फिल्म में इमरान हाशमी भी बहुत ही धमाकेदार जो कि विलन किरदार निभा रहे हैं, हालांकि बहुत ही लंबे समय के बाद बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो कि बहुत ही बड़ी मूवी के साथ एंट्री कर रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इमरान हाशमी का इसमें विलन किरदार बहुत ही दमदार रहने वाला है। और वहीं दोस्तों इमरान हाशमी और जो कि सलमान खान पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इस मूवी में आप लोगों को जो कि SRK यानी कि बॉलीवुड के किंग खान भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, बॉलीवुड के किंग खान भी इसमें आप लोगों को गजब के एक्शन करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को बताइए चले कि पठान में जिस तरीके से सलमान खान का एक छोटा सा केमियो देखने को मिला था, उसी तरीके से जो कि इस मूवी में आप लोगों को शाहरुख खान का एक छोटा सा केमियो देखने को मिलने वाला है। हालांकि शाहरुख खान का कैसा रहता है केमियो, अब यह जो कि कल सिनेमा घरों में ही पता चलेगा और कितना जोरदार और दमदार रहता है ये जो कि कल सिनेमा घरों में आप लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस फिल्म को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है और पब्लिक रिव्यू इस फिल्म को बहुत ही प्यारा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म का बस क्रेज तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पहले दिन दीपावली होने के कारण यह फिल्म को थोड़ा सा कम कलेक्शन हो सकता है, लेकिन दीपावली के बाद बहुत ही बम्पर कलेक्शन होने वाले हैं। बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन यह फिल्म जो कि 80 से 90 या तो 60 से 70 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। और वहीं दोस्तों दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन यह फिल्म कन्फर्म जो कि आप लोगों को बताइए चले कि 90 से जो कि 80 करोड़ रुपया कारोबार कर सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपया कारोबार करेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।